अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं बना रही हूँ चना दाल पालक। तो चने की दाल में समझे हम पालक मिक्स करेंगे, लेकिन इसका बनाने का तरीका डिफरेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ली है 1 कप चना दाल, उसमें 2 कप पानी डाल दिया है और उबाल आने दिया है। उबाल आने के बाद जब ये बॉयल आ गया तो इसमें मैंने डाल दिया है नमक, 1/2 खाने का चम्मच नमक डाल देंगे इसके अंदर। हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, 1/2 टीस्पून, बहुत थोड़ी सी। और उसके बाद मैंने डाल दी है लाल मिर्ची, पिसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, बहुत थोड़ी डाली है क्योंकि हम मसाले में भी मिर्च डालेंगे, इस वजह से। बस इसको हम गला लेंगे, इतना गलाएंगे कि चने की दाल घुले नहीं। मैंने समझे 2 सीटी गलाया था कुकर में, गलाई थी ये दाल समझे 8 to 10 मिनट्स में। तो अब मैं मसाला बनाना शुरू करती हूँ। इसके अंदर चॉप ऑनियन जाती है, सारा चॉप जाता है A to Z, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन। तो 1 प्याज ली है और थोड़ा सा लहसुन अदरक लिया है, उसको गोल्डन गोल्डन फ्राई कर लिया। और चॉप टमाटर, 2 टमाटर थे मेरे पास जो मैंने चॉप कर लिए थे, हैंड चॉपर में ही चॉप कर लिए थे, जैसे प्यूरी टाइप बन गई थी ये टमाटो की। तो हमने ये डाल दिया है और खूब इसको अच्छे से भून लिया है, और साथ ही हमारी दाल भी पक रही है। तो ये देखें, दाल गल चुकी है और खड़ी खड़ी है, गल भी चुकी है अंदर से, फुल डन हो गई है और खड़ी हुई है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना चने की दाल को। तो अब हमारा जो मसाला है वो भुनाई की तरफ आ गया, तो हमने उसमें मसाले डालना शुरू करने हैं। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि 1/2 हमने अपना दाल में भी डाला है, हसबे जायका जैसे कह सकते हैं। और ये लाल मिर्ची है 1/2 टीस्पून, कम मिर्ची डालेंगे क्योंकि दाल में भी डाला है। और ये मैंने डाला है गरम मसाला खुशबू के लिए, गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून। और मैंने डाली है थोड़ी सी हल्दी, बेसिक हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये धनिया ज़ीरा, मोस्ट फेवरेट मेरा पाउडर, तो धनिया ज़ीरा भुना हुआ, पिसा हुआ, ये डाल देंगे। और इसके साथ ही मैंने कलौंजी डाली थोड़ी सी, 1 पिंच समझे, थोड़े से दाने होंगे 10-20 के करीब कलौंजी के दाने। और ये कसूरी मेथी डाली है मैंने 1 चुटकी। और ये बस बेसिक से सारे मसाले चलेगा, और कसूरी मेथी की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर डाला, काली मिर्चें, तो काली मिर्च की भी बहुत अच्छी खुशबू आती है दाल में, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। तो ये सब मसाले हमने डाल दिए हैं और इसको खूब अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखें, ये हमारा मसाला फुल डन हो चुका है, भुन चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे उबली हुई दाल, और दाल का पानी ज़ाया नहीं करना है, इसी पानी में हमने अब पकानी है दाल, और पालक भी इसी पानी में ही पकेगी क्योंकि दाल के अंदर एक टेस्ट है, दाल के पानी के अंदर पूरा टेस्ट जो एब्जॉर्ब है वो वाटर के अंदर ही है। नमक तो हमने डाला हुआ था और लाल मिर्ची भी थी, अब कोई मसाले की ज़रूरत नहीं है। दाल डालेंगे भुने हुए मसाले में और अच्छे से इसको उबाल आने देंगे। तो जब इसका उबाल आ जाएगा तो हम इसके अंदर वॉश पालक है मेरे पास, ये 2 गड्डी थी ये पालक, तो अपनी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ तो वैसे ही 1 बंच ही बहुत बड़े साइज़ का होता है, तो मैंने तो 2 गड्डी ली थी समझे, तकरीबन 1 किलो के करीब होगी, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी थी। तो ये 2 पालक की गड्डियाँ थी मेरे पास, और अगर इसमें आप अपने अंदाजे से कम ज़्यादा कर सकते हैं पालक, लेकिन मेरे पास काफ़ी क्वांटिटी में थी समझे, 1 kg के करीब करीब थी, काफ़ी ज़्यादा। तो ये पालक मैंने अच्छे से वॉश कर ली है और स्ट्रेनर में डाल दी है।
और ये पालक अब मैं डाल दूँगी। पालक तो वैसे ज़्यादा हो तो मज़े की लगती है, दाल कम हो पालक का बहुत मज़े का टेस्ट आता है दाल के साथ। तो जितनी भी पालक है ये मैं डाल दूँगी और ये देखें ये 5 मिनट के बाद पालक घुल मुल सी गई थी। फिर इसको मैंने ढक्कन लगा दिया था और 20 मिनट्स पकाया है इसको हल्की आंच पे। तो ये देखें भाई फाइनल लुक, पालक पता ही नहीं है कहाँ पर चली गई है, इतनी सी हो गई है। तो हमारी जो दाल पालक है वो डन हो चुकी है बिल्कुल। बस इसकी थोड़ी बहुत सी भुनाई करेंगे, एक तरह से मिक्स करेंगे, इन सबको कंबाइन कर लेंगे। तो जी जनाब ये हमारा माशाल्लाह मज़ेदार सा पालक दाल रेडी है। इसमें सिर्फ हरी मिर्ची डालेंगे ऊपर से और ये डन हो चुका है। इसको मज़ेदार से गरम गरम रोटी के साथ खाएं।